जिले के लखनादौन न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मध्यस्थता केंद्र भवन का लोकार्पण हुआ। जिला न्यायाधीश पीके शर्मा द्वारा इस भवन का लोकार्पण किया गया। देखिए खास रिपोर्ट। दरअसल प्रदेश भर में 8 जिलों में मध्यस्थता केंद्र का ई लोकार्पण कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन का पालन भी किया गया। कार्यक्रम में जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में जिला न्यायाधीश पीके शर्मा, न्यायाधीश गण मोहित दीवान, संजय ठाकुर, अपर जिला न्यायाधीश अशिता श्रीवास्तव, SDM सिद्धार्थ जैन आदि उपस्थित रहे। आयोजन में गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन किया गया, वहीं रिबन काटकर भवन का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर न्यायाधीश गणों ने मध्यस्थता केंद्र की जानकारी साझा करते हुए कहा कि वॉलंटियर्स की टीम काम कर रही है, वे मध्यस्थता के लाभ और उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सब लोगों से विनम्र निवेदन है, इस संबंध में हमारी जो पैरालीगल वॉलंटियर्स की टीम है, जो तहसील लखनादौन में लगभग 302 गांव हैं, वहां जाकर ग्रास रूट लेवल पर हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं और मध्यस्थता के लाभ और उसका प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। जो इनका जो सहयोग है और जो इनका योगदान है वो काफ़ी सराहनीय है। आप सबसे भी मेरा पुनः अनुरोध है कि आप मध्यस्थता को जो है बढ़ चढ़ के प्रोत्साहित करें, इसका प्रचार एवं प्रसार करें। ये वैधानिक प्रक्रिया है जिसमें बैठने के लिए स्थान की आवश्यकता होती है। उसकी पूर्ति के लिए मध्यस्थता केंद्र लखनादौन में ई लोकार्पण किया गया है। मीडिएटर का मध्यस्थ है कि जो तटस्थ व्यक्ति है, जिसका दोनों पक्षकारों से कोई लेना नहीं है, लेकिन ये वैधानिक प्रक्रिया है, इस सब के करने के लिए बैठने के लिए स्थान की आवश्यकता होती है। उस स्थान की पूर्ति के लिए मध्यस्थता केंद्र लखनादौन में आज ई लोकार्पण हुआ है। मैं आप सबके लिए इस मध्यस्थता केंद्र की सौगात उपलब्ध हो जाने के लिए साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद। देखा जाए तो लखनादौन को मध्यस्थता केंद्र की सौगात मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, सिवनी।